व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की सुबह बहुत ही खास है दोस्तों। बेसिकली आज साल 2023 का पहला जैम स्ट्रीट है, तो फिलहाल वहीं पर आए हैं। और साल 2023 में पहला जैम स्ट्रीट में आज क्या क्या होने वाला है सारा जानकारी आपको बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए और हमारे साथ सफ़र का मज़ा लेते रहिए। तो दोस्तों वेलकम टू जैम स्ट्रीट एट बिष्टुपुर इन आवर जमशेदपुर। तो आज ये पहला जैम स्ट्रीट है ईयर 2023 का, और आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा हमारा जमशेदपुर में ठंड बढ़ गया है। नतीजा सभी लोगों ने स्वेटर्स जैकेट्स पहना हुआ है, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना भीड़ होगा, बट आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा भीड़ है। और अभी जो वक्त है सिर्फ 6:30 हुआ है, ऐसे में जो भीड़ है लगातार बढ़ ही रहा है। एंड अभी तक हम लोगों ने सिर्फ कुछ ही दूर कवर किया है, तो ऐसे में अरे वाह, यहाँ कुछ देखने को मिला है, डॉग्स। दोस्तों मैं एक चीज़ गौर कर रहा हूँ, साल 2023 के इस फर्स्ट जैम स्ट्रीट में जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना भीड़ हो जाएगा। बट नाउ इट्स द एरा ऑफ सोशल मीडिया, ऐसे में आप लोग देख सकते हैं जो यूथ्स हैं, स्पेशली यूथ्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर उमड़ पड़े हैं, और बहुत खुशी भी लग रहा है। और यहाँ पर जो एक्टिविटी का जो वैराइटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसे में जितने भी जमशेदपुर वासी हैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। स्पेशली आज थोड़ा सा ठंडा तो है बट मज़ा भी आ रहा है, और यहाँ पर फ्री में एक राउंड वाला 360 वाला कैमरा भी लगाया गया है खास आप लोगों के लिए। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर रंगोली हमारे महान पुरुष बोल सकते हैं रतन टाटा जी का रंगोली को बनाया जा रहा है। अभी ये बन रहा है, जब फाइनल बन जाएगा तो आपको बताएंगे। फिलहाल एक स्टॉल पर आए हैं आर्टफुल क्राफ्ट्स, यहाँ पर जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं बेसिकली दीज आर मेड फ्रॉम वेस्ट। तो अगर आप में कारीगरी है तो आप वेस्ट चीज़ों से भी इतना खूबसूरत चीज़ों को बना सकते हैं, दैट इज़ टैलेंट। मैम यहाँ पर है, हाई कर दीजिए। बता दूँ दोस्तों साइकिलिंग ये मेरा सबसे पसंदीदा एक्टिविटी है, बट आप देखते हैं यहाँ साइकिल चलाने मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वक्त कुछ हस्तियाँ ब्यूटीफुल गर्ल्स चला रही हैं, इसके बाद हम ट्राई करेंगे। तो दोस्तों सच्ची में इस बार यहाँ पर बहुत सारा एक्टिविटीज़ है, और यहाँ पर एक कंपटीशन भी चल रहा है एमंग मैनी पीपल बिटवीन टू टीम्स। अरे वाह, जोर लगा के हाई सर क्या बात है, एंड एवरीवन एंजॉयिंग दिस कंपटीशन। तो आप सभी को भी यहाँ पर आना चाहिए, जमशेदपुर के दोस्तों और जो सूर्य देवता हैं वो भी जाग चुके हैं, ऐसे में ठंडी ठंडी हवा के बीच में काफ़ी मज़ा आ रहा है। बच्चे मन के सच्चे, इनका भी यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, बोले तो यू कैन से प्रैक्टिस सेशन, और इस तरह का भी यहाँ पर इवेंट होता है जहाँ पर आपको एवं आपके बच्चों को मौका मिलता है। और आज आप लोग देख सकते हैं जो क्राउड है यहाँ बिष्टुपुर में है कुछ ज़्यादा ही है, ये इफेक्ट है सोशल मीडिया का।
तो आप लोग भी नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा और इस जैम स्ट्रीट का हिस्सा बनिएगा। फिलहाल हमारे जो बच्चे हैं जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, बच्चे मन के सच्चे। तो दोस्तों यहाँ जैम स्ट्रीट में आपको शतरंज, दिमाग का खेल यानी कि चेस भी सिखाया जाएगा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा मोस्ट वांटेड एक्टिविटी है हियर एट बिष्टपुर इन जैम स्ट्रीट। और आप लोग देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कैसे इस एक्टिविटी को बाखूबी कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि अभी आप देख सकते हैं कि इस एक्टिविटी का जो जोन है उसके चारों तरफ मैक्सिमम लोगों का भीड़ है। और ये जो चीज़ है जनरली पब्लिक को नहीं दिया जाता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को करने दिया जाता है जो इसके लिए ट्रेंड है। अदरवाइज़ आपके जो घुटने हैं नी आसानी से टूट सकता है, फिर आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। बाद बाकी जो जैम स्ट्रीट का नज़ारा है काफ़ी शानदार है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। और आप लोग ज़रूर से साल 2023 के सेकंड जैम स्ट्रीट में हिस्सा लीजिएगा, बी द पार्ट ऑफ जैम स्ट्रीट इन आवर जमशेदपुर। तो दोस्तों यहाँ पर कराटे का भी एक सेक्शन है, सेल्फ डिफेंस, यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है हमारे लीजेंड्स के द्वारा। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और ख़ास करके जो बच्चे हैं काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। एंड मुझे लगता है इस वक्त जिस तरह का ज़माना है, जिस तरह का टाइम है, हर किसी को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, इट्स वेरी नेसेसरी। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल बास्केटबॉल ट्राई किया जा रहा है। और ये जो सारा एक्टिविटी होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए आपको कोई चार्ज देना नहीं होता है। तो ये जैम स्ट्रीट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हियर यू कैन डू एनी एक्टिविटी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और ज़रूर से नेक्स्ट टाइम जब भी होगा आइएगा। तो दोस्तों हमारे टाटा स्टील के एक्स चेयरमैन मिस्टर रतन टाटा जी का रंगोली बस बन के रेडी ही होने वाला है और अब से कुछ ही देर में जो रंगोली रेडी हो जाएगा। और सभी जो जमशेदपुर वासी हैं फिलहाल उत्सुक है, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि ये बन के रेडी हो जाए और इसका एक अच्छा खासा तस्वीर उठाएंगे। तो दोस्तों इस जैम स्ट्रीट में आने का बहुत सारा फ़ायदा होता है, यहाँ पर आपको मेनी मोर जो चीज़ें हैं वो फ्री में मिलता है, जैसे कि हेल्थ टिप्स, योगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए स्पेशल आर्ट गैलरी को भी एग्जीबिशन में रखा जाता है और ये उसी का जीता जागता नमूना है। और फिलहाल जो हमारे रतन टाटा जी हैं उनका जो रंगोली फिलहाल बन के कम्प्लीट होने ही वाला है एंड सभी लोग बड़ा ही एक्साइटेड हैं। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं हमारा बिष्टपुर का जो मेन रोड है वो पूरी तरह से सभी जमशेदपुर वासियों से भर चुका है। और टाटा स्टील हॉर्स राइड भी करवाती है तो उसका यहाँ पर एक छोटा सा ग्लिम्स आपके लिए, एक छोटा सा नमूना, एक झलक। ये फ्री नहीं होता है, बेसिकली जो हॉर्स राइडिंग स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं उसी को इसका मौका मिलता है। ये वाला फूड वाला सेक्शन है, अगर आपको यहाँ पर भूख लगता है, प्यास लगता है तो उसका भी यहाँ पर इंतज़ाम है, आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट, नाश्ता ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा इंतज़ाम है। और इस वक्त समय
8:05 हो चुके हैं, तो सभी जो लोग हैं फिलहाल घर को जाने को रेडी हैं, क्योंकि जो इवेंट है बस कुछ ही देर में ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों आज का जो ये इवेंट था जिम स्ट्रीट फाइनली ख़त्म हो गया है। असल में इसका जो टाइमिंग है ये मॉर्निंग में 5:30 से 8:30 तक रहता है, उसके बीच में आपको यहाँ पर आना होता है और आपके लिए जो भी एक्टिविटी होता है वो टोटली फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको की तरफ से आप बोल सकते हैं कि टाटा स्टील की तरफ से। और नेक्स्ट टाइम कहाँ पर होगा किसी को नहीं पता है, तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा आप लोग ज़रूर आइएगा, और यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। और इस बार हमें उम्मीद नहीं था कि इतना भीड़ होगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है वो कितना पावरफुल है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और सभी फ़िलहाल घर को जा रहे हैं। तो सही में यार इस बार यहाँ जिम स्ट्रीट में, जो कि साल 2023 का पहला था, काफ़ी मज़ा आया और सभी यूथ्स ने यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय किया, स्पेशली जो गर्ल्स हैं। एंड फिलहाल इसका समापन हो चुका है तो सभी घर को जा रहे हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, फाइनली हमारा जमशेदपुर का प्रसिद्ध जिम स्ट्रीट आज एंड हुआ 8:30 बजे, और इस बार का जो इवेंट था वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा और लगभग सभी जमशेदपुर के वासियों ने इसका जमकर लुत्फ़ उठाया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा, ये तो तय है कि होगा ही, तो जहाँ पर भी होगा आप लोग ज़रूर आइएगा। और इस बार जो एक्टिविटीज़ थे वो बहुत सारे थे, और यही रीज़न था कि इस बार के इस जिम स्ट्रीट में मैक्सिमम जमशेदपुर लोग पहुँचे थे और सब उन्हें खुलकर जमकर मज़ा लिया। एंड आई होप कि ये जो ब्लॉग है आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट कहीं पर ख़त्म करते हैं, और मेरा सबसे गुजारिश है यदि मेरे चैनल पर नहीं हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मिलते हैं किसी बढ़िया सा प्यार सब लोग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।